करेंगे, कामिल यकीन और ईमान रखेंगे, इम्तिहान पर इम्तिहान, कामयाबी पर कामयाबी हासिल कर रहे। और बच्चा कुछ बड़ा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास्त जिब्राइल के जरिए से हुक्म नहीं दिया, ख्वाब में बतलाया कि वो हजरत इस्माइल को ज़बह कर रहे हैं। सुबह उठे, ऊंटों को ज़बह किया, अगली रात भी वही ख्वाब देखा, फिर वही ख्वाब देखा, और वो अपनी बीवी हजरत सारा से जिक्र किया। हजरत सारा ने फरमाया, हुक्म है अल्लाह का, आप अल्लाह के हुक्म को पूरा करें। अम्मा हाजिरा से मशवरा किया, उन्होंने भी कहा अल्लाह का हुक्म है तो आप अपने लख्त जिगर को ले जाएं, फिर तो आप अपने लख्त जिगर को तैयार कर दें, नूर नजर को नहलाएं धुलाएं और उन्हीं पाक कपड़े पहनाएं, क्योंकि अल्लाह से मिलाना है। हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल को लेकर निकल पड़ते हैं, शैतान ने बरगलाने की कोशिश की, हजरत इस्माइल से आकर कहा 13 साल की वो लड़कपन की उम्र, वो जवानी के दहलीज में दाखिल होने की उम्र, कितनी हसीन और जमील खूबसूरत उम्र, जब बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़कर बाप का सहारा बनने के काबिल बन चुका है, उस उम्र में वो शैतान बरगलाता है कि आपको आपके अब्बा ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं। हजरत इस्माइल ने अपने बाप से पूछा, हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि अल्लाह का हुक्म है बेटा, इस शैतान को कंकड़ियां मारो, उन्होंने कंकड़ियां मारी, अल्लाह को इतना अदा ये पसंद आई, आने वाले हुज्जाज पर वाजिब कर दिया कि आपका हज इस वक्त तक कबूल नहीं होगा। तब इब्राहिम और इस्माइल की सुन्नत को आप अदा नहीं कर रहे थे। तीन मरतबा शैतान ने बहकाया, तीनों मरतबा उनको उन्होंने कंकरियां मारी, फिर उसके बाद अपने बेटे से जो उन्होंने मशवरा किया, कुरान मजीद में उस मशवरे का जिक्र भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फलम्मा बलगा माहु सया, जब वो कुछ चलने फिरने के दौर में के काबिल बन चुके, तो उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो ख्वाब दिखा, ख्वाब की वजह से बेटे से उन्होंने मशवरा किया, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक फंज़ुर माज़ा तरा, प्यारे बेटे मैं आपको ख्वाब में देखता हूँ कि ज़बह कर रहा हूँ, आपकी क्या राय है सोच कर बताएं, आप अंदाजा फरमाएं। बेटा बाप गुफ्तगू हो रही है, बाप बेटे से पूछ रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि अल्लाह का हुक्म है, अगर ये कहते वहां जवाब देने की या तावील करने की गुंजाइश नहीं रहती, बल्कि यूं कह रहे कि ख्वाब में मैं देख रहा हूं, हम नबी की औलाद है, नबी की सोच रखती है, तरबियत करने वाले माँ बाप भी इतने अजीम पैगंबर और उनकी माँ भी इतनी अजीम माँ और खातून है, और तरबियत बचपन से ही उन्होंने अच्छी की थी। ऐ माँ बाप, जितने वालिदैन यहाँ बैठे हैं, जितने सरपरस्त यहाँ मौजूद हैं, आप में से हर एक से मैं पूरे अदब एहतराम के साथ अर्ज करता हूँ कि आप अपनी औलाद की सही तरबियत करें। आज मुसलमानों के बच्चे नशे की लत का शिकार हो चुके हैं, आज मुसलमानों के बच्चे बेराह रवि का शिकार हो चुके हैं, उनकी जबानों पर गंदी फहश गालियां निकल रही हैं। मुसलमानों, हमारी जिम्मेदारी है, हम तो मिल्लत इब्राहिमी में है, हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है, हम तो सहाबा के गुलाम हैं, औलिया इकराम के दीवाने और आशिक हैं, हमको अपनी औलाद को भी उन्हीं के इन्हीं नेक हस्तियों के रास्ते पर चलाना है, इसलिए बचपन से उनकी सही तरबियत करो, उनकी नेक रास्ते पर डालने की कोशिश करो, रातों में उठो, रब के सामने दुआ करो, मौला मेरे बेटे को नेक बना दे, मेरी बच्ची को नेक और अच्छी बना दे, अल्लाह इनका मुस्तकबिल भी अच्छी अच्छा बना दे। लेकिन हम है कि हमारी 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 रविश अपनी हमने इख्तियार कर ली है, हमें कोई फिक्र नहीं क्या औलाद क्या हो रही है, हमें कोई एहसास नहीं, बस शाम हुई 100-200 रुपये औलाद की तरफ से मिल गए, हम खुश है कि बेटा कमाने के काबिल बन चुका है। हजरत इब्राहिम ने हजरत अम्मा हाजिरा ने बेटे की ऐसी हसीन तरबियत की थी, अब बेटे ने कहा या अबती फालमत उमर, अब्बा जान आप वो करें जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है, तावील की ख्वाब ही तो आपने देखा है। आज के बेटे से अगर कोई ये कह दे सिर्फ कि बेटा आपकी गाड़ी मुझे दे दो, पेशानी पर बल पड़ जाते हैं, चेहरे के तेवर बदल जाते हैं, आग बगोला होता है, वहां गाड़ी सवारी का मुतालबा नहीं, जान का सवाल हो रहा था, और प्यारे अंदाज से कहते या अबती फाल मा तुमर, अब्बा जान सोचते क्या है, कुछ पूछते क्या है, जो हुक्म हुआ आप उसको अंजाम दे दें, या अबती फाल मा तुमर, इतना प्यारा जवाब बेटे ने दिया। आज के बेटे, मां बाप की नाफरमानी करने वाले, याद रखें,
के कदमों में हमारी जन्नत को अल्लाह ने रख दिया है। याद रखें, रब के सामने हजारों लाखों सजदे भी अदा कर लें लेकिन बाप नाराज है तो याद रखना तुम्हारा रब भी तुमसे नाराज है। जिनके माँ बाप हयात है, बड़े अदब के साथ एहतराम के साथ, नौजवान बच्चों आपसे गुजारिश करूंगा अपने माँ बाप की कदर कर लो। आज मेरे अब्बा इस दुनिया में मौजूद नहीं है, इसी कब्रस्तान में आराम फरमा रहे। अलहाज इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह इसी कब्रस्तान में आराम फरमा रहे। इस तरह आप में से कई ऐसे होंगे जिनकी माँ इस कब्रस्तान में होगी और किसी के बाप इस कब्रस्तान में मौजूद होंगे। तो मेरे नौजवान भाई और साथियों, आप भी एक दिन जो आएगा, दुनिया से तो सबको जाना है, मौत तो सबको आनी है, सबको तो रुखसत होना है। इसलिए रुखसत होने से पहले अपने वालिदैन का एहतराम कर लो, उनके कदमों में तुम्हारी जन्नत है। अपनी जन्नत को जितना खूबसूरत बना सकते हो बना लो, रब को जितना राजी कर सकते हो राजी कर लो। और अगर तुमने नाफरमानी की तो शरूई का मुजाहरा किया, उनको जवाब दिया और उनके आगे चलने की कोशिश की, उनके बैठने से पहले बैठने की कोशिश की, याद रखना मौत के वक्त जबान पर कलमा भी नसीब नहीं हो सकता। इसलिए डरो, अपने माँ बाप के हुकूक के बारे में अल्लाह से डरो। या अबती फाइल मात उमर, आप वो करें अब्बा जान जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। सतजिदुनी इंशा अल्लाह मिन अश्शाबिरीन, आप इंशा अल्लाह यकीनन मुझे पाएंगे सब्र करने वालों में से। जब भी मैं याद पढ़ता हूँ मेरा दिल बाग-बाग हो जाता है, मेरा रुआ रुआ लड़ाइया लेने लगता है। इसलिए कि हजरत इस्माइल ने जो जवाब दिया वो लाजवाब था। अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम, बाप की अजमत को झलक, बाप की अजमत जिससे जाहिर हो रही हो और बाप का अदब एहतराम जिससे झलक रहा हो और पूरी आदाब फर्जंदी के साथ हजरत इस्माइल ने जवाब दिया, अब्बा जान आप मुझे पाएंगे। और ये भी कहा, इंशा अल्लाह ये सब्र करूंगा इसलिए नहीं कि मेरा कमाल है, अल्लाह ने तौफीक दी तो सब्र करने वालों में मैं शामिल हो जाऊंगा। और ये भी नहीं कहा आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, बल्कि ये तवाज़ो के साथ आज इसी के साथ कहना चाहते हैं, ऐ अब्बा जान सब्र कर लूंगा लेकिन सब्र करना मेरा कोई कमाल नहीं है। मिनस साबिरीन, मुझे से सैकड़ों हजारों गुजर चुके हैं जिन्होंने अल्लाह के नाम पर सब्र किया था, जिन्होंने अल्लाह के नाम पर सब कुछ बर्दाश्त किया था। मैं भी उन मुबारक हस्तियों की सब में शामिल हो जाऊंगा और वो भी अल्लाह की तौफीक उसकी मशीयत उसकी मदद शामिल हो तो मैं ये काम अंजाम दे सकता हूँ। फिर दोनों आगे बढ़े और हजरत इब्राहिम, मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी छुरी को मुकम्मल तेज किया और औंधे मुंह अपने बेटे को लिटा दिया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध दिया और कहीं बाप की शफकत गालिब ना आ जाए और बेटे की मासूमियत की वजह से अल्लाह के हुक्म को अदा करने में देर न लग जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की गर्दन पर, अपने बेटे के गले पर जो छुरी चलाना चाहते थे लेकिन छुरी को अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि छुरी न चल, इब्राहिम खलील इधर जोर लगाता है लेकिन रब्बे जलील उसको रोक लेता है। अल्लाह की तरफ से आसमान से लेंडा उतारा गया, दुम्बे कुछ नहीं लेकर आए, वहां हजरत इस्माइल की जगह जो मेंढा जबाशुदा हुआ जबाशुदा था उसको जबा किया गया। वो फदई ना हो भी नबी नाजीम, अल्लाह भी नबी नाजीम, अल्लाह ने आसमान से निदा लगाई, ऐ मेरे इब्राहिम खलील और मेरे दोस्त कद सद्दक कर रुया, आपने ख्वाब को सच कर दिखाया है, ख्वाब में हुक्म दिया था आपने उसको जाहिर करके बता दिया है। आप कितने, आप तो आज कामयाब हो गए, आप तो कामयाब हो गए। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वो फदैनाहु बिदिबह नादीम, ऐ मेरे खलील हम तो नेक लोगों का बदला ऐसा ही देते हैं, कदालिक नजज़िल मुहसिनीन, ऐसे ही हम नेक लोगों का बदला देते हैं, उन्हें जजा अता करते हैं। और ये ज़िबह नादीम हजरत इस्माइल के बदले में आपने इसको ज़बह किया है। मुसलमानों, इस पूरी सीरत के मुख्तसर से वाकिए से और इन मुख्तसर से अल्फाज से आज ये ईद उल अज़हा मुझे आपको ये पैगाम दे रही है, मुसलमानों तुम हालात के कितने भी शिकार क्यों न बन जाओ, तुम्हारे सर पे तलवार क्यों न लटका दी जाए और तुम्हारे सामने मौत का कुआं खोद क्यों न दिया जाए, तुम्हारे सामने पानी और उसमें डूबने के लिए तुम्हें कहना क्यों दिया जाए, तुम्हारा
رب پر ہے جو قدرتوں والا ہے جو طاقتوں والا ہے جو ہر چیز کا مالک ہے مالک الملک ہے تو تل ملک من تشا وتنزع الملک من من تشا وتعز من تشا وتذل من تشا آج کے حالات ہم نے بہت صبر کیا ہے یقیناً صبر کیا ہے دادری کے اخلاق سے لے کر جنید اور اس جیسے کتنے معصوموں کو ماب لنچنگ میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا شہید کر دیا گیا اس ملک کے مسلمانوں نے صبر کیا کیوں وہ ابراہیم کی اولاد ہیں وہ ابراہیم کی ملت میں ہیں کتنے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے سی ڈبل اے اور این آر سی کے جیسے کالے قانون تھوپے گئے اور اس میں احتجاج کرنے والے مسلمانوں پر دنگا مسلط کر کے انہیں مسلمانوں کو جیل کی سلاخ کے پیچھے کر دیا گیا لیکن مسلمانوں نے برداشت کیا صبر کیا کیونکہ اس ملک کو ہمارے آبا و اجداد نے اپنے خون سے بنایا ہے کہیں بنایا ہوا ملک پھر سے وہ افراد تفریح کا شکار نہ ہو جائے اس لیے ہم نے اس پر بھی صبر کیا کتنے مسلسل تکلیف دینے والے یہ فراہی سے ہم گزرتے رہے ہماری مسجدیں ہم سے چھینی گئی ہماری اذانوں کی آواز پر بھی اعتراض ہوا اس پر قانون بنائے گئے پھر گائے جھٹکا نہ جانے کیا کیا ہم کو پریشان کیا گیا ہماری معصوم بچیوں کے سروں سے پلوں کو ان کے حجاب کو اتارنے کی کوشش کی لیکن ہم ابراہیم کی اولاد ہیں ہم جانتے ہیں کہ بلال نے مکے میں اپنے اوپر سینے پر چٹان رکھ کر بھی اللہ کو پکارا تھا وہ اللہ مدد کرنے والا ہے آپ ذرا غور فرمائیں اماں حاضرہ بچے کو لے کر بے آب و گیا وادی میں ہے کس کے بھروسے پر رب کے بھروسے پر آج کا مسلمان بھی جی رہا ہے ہمیں کسی لیڈر پر بھروسہ نہیں ہے کسی قائد پر بھروسہ نہیں ہے بھروسہ ہے تو رب کی ذات پر بھروسہ ہے وہ رب جس نے اس کے آب و گیا وادی میں جب اماں حاضرہ اپنا جو کچھ ان کے پاس کوشا تھا ختم ہو چکا تھا بچے کی روزی کی اور بچے کی بھوک ان سے دیکھی نہ گئی وہ دوڑ لگاتی گئی صفا پر چڑھتی ہے وہاں سے اترتی ہے مروہ پر چڑھتی ہے دور تک دیکھتی ہے کوئی قافلہ گزرنے والا تو ان سے کچھ ہمارے لیے انتظام ہو جائے میری بھوک مٹھے اور بچے کے دودھ کا انتظام ہو جائے صفا پر بچے کے پاس مروہ پر پھر بچے کے پاس پھر صفا پر دوڑ لگاتی ہوئی اماں حاجرہ ہے دیکھیں ایک نقطہ ضرور میں وقت نہ رہتے ہوئے بھی ضرور عرض کروں گا کہ حلال اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے اماں حاضرہ نے دوڑ لگایا تھا اللہ کو وہ ادا بچے کے بھوک مٹانے پیاس مٹانے کے لیے جو دوڑ اماں حاضرہ نے لگائی اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی آنے والے ہر حاجی پر لازم کر دیا عمرہ کرنے والے پر فرض کر دیا کہ آپ جب طواف کرو گے میرے گھر کا تو میری حاجرہ کی سنت کو بھی زندہ کرتے جانا کیونکہ وہ اپنے بچے کی بھوک مٹانے کے لیے دوڑ لگائے تھے ویسے یہ حلال کمانے کی فکر کرو آج مسلمان سودی لین دین میں آگے ہیں آج مسلمان دھوکے سے کما رہے ہیں آپ سے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں حلال روزی کی فکر کرو دن بھی کماؤ اور آنکھ میں بھی کماؤ بہترین سے بہترین عالی شان گھر کا انتظام کرو آرام دہ سواری کا انتظام کرو اس لیے کہ میرے حبیب نے اس سلسلے میں کوئی ممانعت نہیں فرمائی اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا انسان کی یہ مومن کی انسان کی سعادت ملتی ہے کہ اس کے لیے نیک بیوی ملے نیک پڑوسی ملے اچھا کشادہ گھر ملے اور آرام دہ سواری ملے تو یہ ترغیب ہے کہ مسلمان اپنی کمائی میں آگے بڑھے ترقی کرنے کے لیے حضور نے ہمیں ترغیب عطا فرمائی ہے حلال راستے سے حرام سے نہیں تو میں عرض کر رہا تھا اللہ اماں حاضرہ نے وہاں چھوڑ دیا جب تو اپنے دور ہو گئے اپنے بھی چلے گئے رات کی تاریخی آ گئی سورج کی کرنیں اور اس کرنیں اور اس کی روشنی بھی ختم ہو گئی کوئی نہیں ہے اس جگہ پر جب جینے کا کوئی سہارا نہیں سب سہارے ٹوٹ چکے کھانے کا کوئی انتظام نہیں اللہ نے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کے ایڑیوں کے رگڑنے کی جگہ سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور انسانیت کو بٹھا دیا جب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں راستے کٹ جاتے ہیں اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں اس وقت میری مدد کرتی ہے اور پانی دیا جو پانی کے پیاس کے بجھانے کا بھی انتظام ہے ایسا پانی دیا بھوک کے مٹنے کا بھی اس میں انتظام کر دیا اور اس بے آب و گیا وادی میں بیمار ہو جائے تو اسی پانی میں تمہارے دوا کا بھی انتظام کر دیا
वो मेरा आपका खुदा है। तो हम जानते हैं यूसुफ को भाइयों ने कुएं में डाला, लेकिन अल्लाह की मदद कुएं में गिरने से पहले जिब्राइल को भेजकर अल्लाह ने उनके हिफाजत फरमाई। हम जानते हैं तो मूसा को सबह करने के लिए, शहीद करने के लिए फिरौन ने लाखों बच्चे कत्ल कर डाले, लेकिन जिसके लिए ये सारी कारस्तानी की थी उसी बच्चे को अल्लाह ने फिरौन के दरबार में पहुंचाया और वहीम की परवरिश करके दिखाया कि जिलाने वाले, जिंदगी देने वाले हम इस तरह से जिंदगी देकर दिखाते हैं, जो जान का दुश्मन है उसी के घर में उन्हें पाल के दिखाते हैं। ये अल्लाह रब्बे जलाल की कुदरत है। यूनुस को मछली के पेट में जिंदा रखकर अल्लाह अपनी कुदरत का मुजाहरा फरमाते हैं। तो इस मुल्क का मुसलमान जानता है, आप जितने भी चाहे आप मुसलमानों को परेशान करें, लेकिन ये मुसलमान सबर का दामन हाथ से जाने नहीं देगा। इस मुल्क में अमन को कायम रखने की कोशिश करेगा। जब सारे सहारे टूट जाते हैं, रास्ते कट जाते हैं और अपने भी बेगाने हो जाते हैं, जिन तकियों पे भरोसा होता है वही पत्ते जब हवा देने लगते हैं, तो फिर अल्लाह की मदद जैसे इब्राहिम, इस्माइल, यूनुस, यूसुफ और मूसा और इन जैसे नामुतनाही सिलसिले की हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंतजाम किया। आज मुसलमानों घबराने की जरूरत नहीं, उसी खुदा पर मेरा और आपका ईमान भी है, वही अल्लाह हमारी और आपकी मदद भी करेगा, वही अल्लाह हमारी आपकी हिफाजत भी करेगा। तो हाजिरीन गिरामी, कुर्बानी का आज के माहौल में यही पैगाम है, हालात कितने भी नासाज़वार क्यों ना हो जाएं, अल्लाह की जात पर हमारा कामिल और मुकम्मल यकीन और ईमान हमें नजात के रास्ते पर डाल सकता है, इन जालिमों से नजात दे सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। ये अजीम कुर्बानी हमें यह भी पैगाम देती है कि हम आपस में एक दूसरे की खैर खाही करें, मोहब्बत भी बांटें, जहां दोस्त बांटते हैं मोहब्बतों को बांटें, दिल से नफरतों को दूर करें, इत्तेहाद और इत्तेफाक को कायम रखें। हमारा भाईचारा, हमारा इत्तेहाद और इत्तेफाक हमारे लिए अजीम हथियार है जो हर किसी को मात दे सकता है। हाजरीन गिरामी, मैं इस अजीम मौके पर आप तमाम की खिदमत में ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए जितने जिम्मेदारान और जो हमारे सर अंजुमन के सदर हैं और इसी तरह जो भी अराकीन है, अमायदीन है, और आप तमाम का भी फर्दन फर्दन मैं ममनून और मशकूर हूँ कि आपने इतनी देर इस हकीर को, इस नाचीज को सुनना गवारा किया, बर्दाश्त किया। अल्लाह तबारक व तआला आपके बैठने को, आने को बे इंतहा कबूल फरमाए, हमारी नमाज को, हमारे खुतबे को भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह अमन के साथ, सलामती के साथ आज का ये त्योहार और बकिया दिन भी हमसे इत्मीनान अमन के साथ गुजर जाए, ऐसा माहौल हमें अता फरमाए। आप जानते हैं कि हालात बड़े नाजुक हैं और नजाकत के वक्त मुसलमान भी जानता है कि क्या करना है, किस तरह से कैसे काम करना है। इत्मीनान के साथ आप किसी परेशानी के बगैर न खुद परेशान हो न किसी को परेशान होने का मौका दें, इस कुर्बानी के अमल को आप अंजाम दें। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कुर्बानियों को भी बेइंतहा कबूल मंजूर फरमाए। आमीन तुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।